ए मीरा जी गुरु जी, तुम हमारे पास आई हो? हाँ गुरु जी। तुम्हारे आने का कारण क्या है बेटी? सुनो, मेरा कारण आने का क्या है बताओ। गुरु जी सुन लियो बात हमारी, मैं तो आई शरण तुम्हारी, जरा ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल बेटी, पूरा ध्यान है, तुम तो सुनाओ। हाँ सुनो, और क्या? मुझको गुरु जी अपना ध्यान दो, मुझको गुरु जी अपना ध्यान दो। गुरु जी सुन लो हमारी, मैं तो आई शरण तुम्हारी, जरा ध्यान दो। मुझको गुरु जी अपना ध्यान दो, बेटी सुन ले बात हमारी, बेटी सुन रह जात हमारी, कैसे आई अकल तुम्हारी मेरी मान ले। क्योंकि तुम ठाकुरों में शूद्र हूँ, इसलिए और किसी को गुरु मान लो, और किसी को गुरु मान लो। अरे सुनो गुरु जी, ज्ञानी की कोई जात नहीं होती है। हाँ गुरु जी, ज्ञानी की कोई जात नहीं होती? नहीं होती। अच्छा हाँ, और? अरे सुनो गुरु जी, ज्ञानी की कोई जात नहीं होती है। और क्या? हाँ। और ज्ञानी की जो जात बतावे सदा कौम सोती है। तुम्हारा मतलब है कि गुरुजी की कोई जात नहीं होती? हाँ नहीं होती। और ज्ञानी की अगर कोई जात बताए तो वो कौम हमेशा सोती है, ये सही बात है? ज्ञानी आदमी की कोई जाति नहीं होती, नहीं होती। और जो ज्ञानी हो और वो जातिवाद फैलाए तो समझ लो वो ज्ञानी नहीं है। और समझे क्या? क्या? वो ना जाति से कुछ है लेना, ना जाति से कुछ है लेना, मुझको ज्ञान तुम्ही से देना, बात को मान लो। मुझको गुरु जी अपना ज्ञान दो, मुझको गुरु जी अपना ज्ञान दो। सुनो बेटी। सुनाओ गुरु जी। तुम कह रहे हो ज्ञानी की जात नहीं होती? हाँ नहीं होती। तो हमारी सुनो। सुनाओ। वेद पुराणों ने सूत्रों को ज्ञानी नहीं बताया, बेटी हम कहे तो क्या होता है, लेकिन वेद पुराणों में हम सूत्रों को ज्ञानी नहीं बताया। जानती हो कैसे? कैसे? के पूज ही विप्र ज्ञान बुढ़ीना, और सूत्र न पूज ही चाहे ज्ञान प्रवीणा। इसलिए बेटी हम सूत्र हैं, हम चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाए लोग हमें पूज नहीं सकते, क्योंकि वेदों ने हमें अशुद्ध बता दिया है। इसलिए सुनो। सुनाओ। वेद पुराणों ने सूत्रों को ज्ञानी नहीं बताया, तो फिर मैं ज्ञानी हूँ कैसे तेरी समझ में आया। और सुनो। सुनाओ। वेद पुराणों ने हमें ज्ञानी नहीं बताया तो तुम्हारी समझ में कैसे आया कि हम ज्ञानी हैं? और एक बात और ध्यान रखो, तुम घर से आई हो तो किसी को बोल के नहीं आई हो, हम जानते हैं। तुम चोरी चोरी हमारी शिष्या बनने के लिए आई हो, इसलिए सुनो। हाँ सुनाओ।
तेरे परिवार को पता चलेगा, जो तेरे परिवार में चित्तौड़गढ़ में पता चलेगा, वो ठाकुर हम समझेंगे कि चमार के पास तू गई है ज्ञानी बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए। तो बेटी तेरे परिवार को पता चलेगा, तब आफत का पहाड़ गिरेगा, बात पर ध्यान दो, इसलिए और किसी को मान लो, और किसी को मान लो। हाँ हमें पता है देश हमारा भेदभाव का रोगी, हमें पता है देश हमारा भेदभाव का रोगी, और बिना गुरु के ज्ञान, और बिना गुरु के ज्ञान हमारी शिक्षा पूरी ना होगी। इस बेटी ने कहा कि बिना गुरु के शिक्षा पूरी नहीं होती, इसलिए पास तुम्हारे आई और जातवाद को घर घर आई। जो इस चीज से दूर हो जाएगा वो तो संसार में ज्ञान प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो जातवाद को साथ लेके चलेगा उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। हाँ बेटा, इसलिए पास तुम्हारे आई, जातिवाद को घर रखे आई, सही मान लो, अपनी शरण में हमको ज्ञान दो, अपनी शरण में हमको ज्ञान दो, गुरु जी सुन लो बात तुम्हारी, देह आई शरण तुम्हारी, मेरा ध्यान दो। सुनो बेटी, सुनाओ। अब तुमने कह दिया तो मेरा फैसला सुनो, सुनाओ। जब तुमने अटल प्रण कर लिया है कि तुम हमारी शिष्य बनोगी, हम तुम हमारी गुरु बनाओगी, तो सुनो, सुनाओ। ऐसी बात से बेटी तो तुम पास हमारे आओ, ऐसी बात है बेटी तो तुम पास हमारे आओ, और जो कुछ भी है ज्ञान हमारा उसे तुम ले जाओ, और सुनो बेटा, सुना करूं जी। एक गुरु अगर चेलाओं से कपट करे तो ऐसे गुरु को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सच्चा गुरु वही होता है कि चेला को सारा ज्ञान दे दे, और जो चेलाओं से कपट करे छुपाए वो गुरु गुरु नहीं होता, वो ढोंगी होता है। इसलिए सुनो बेटी, सुनाओ गुरु जी। अब हमको भी नहीं कोई शंका, अब हमें भी कोई शंका नहीं है, और दूसरी रात अच्छी लगे तो सभी जोरदार तालियां देना बेटा। अब हमको नहीं है कोई शंका, बजा दो तुम भी जान का डंका, अरे बजा दो एक बार भाई। अब हमको नहीं है कोई संख्या, बजा दो तुम भी जान का डंका, पूरा ध्यान दे बेटी। हाँ गुरु जी। मुझको गुरु तुम अपना मान ले, अपना मान ले।